वहाँ मिलती है, वहाँ रुकते हैं। वहाँ से बड़े बड़े व्यापारी लाते हैं और वहाँ से हम लोग छोटे छोटे व्यापारी लाते हैं। अच्छा, फिर अपना बेचते हैं यहाँ। डिब्बिया बिया कहाँ से लाते हैं अली, रंग बिरंगी डिब्बिया कहाँ से लाते हैं? देवरिया से। देवरिया से मिल जाती है? क्या रेट की मिलती हैं? रेट के मिलेगा वो स्टील वाली है, स्टील वाला और प्लास्टिक है। कितने बेचते हैं? 3 रुपया 5 रुपया 10 रुपया। ये प्लास्टिक वाले 3 रुपए की है? छोटा की। अच्छा, भाई 5 के, भाई 10 के। ढेर बिकता है कभी, ये ना 2-4 महीना पर एक आधो को डिब्बा बिका जाए। डिब्बा कम बिकता, लोग पैकेट ले जाते होंगे ये तुम्हारे? एक एक हो ले जाना। नहीं नहीं, ये अलग खरीद लेते होंगे तम्बाकू है। वैसे भैया हम बता दें, तम्बाकू खाना सेहत के लिए हानिकारक है, बिल्कुल ना खाएं। कोई अपील नहीं करें, मगर बुजुर्ग लोग यहाँ मिले हैं, पत्थर देवा सीट पे है, जहाँ से कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही यहाँ के विधायक हैं, मंत्री भी हैं, कृषि मंत्री। कैसा काम रहा जी, क्या नाम है आपका? राजेंद्र मदेसिया। कैसा काम रहा मंत्री जी का? काम तो ठीक है बा। काम ठीक बा। क्या काम किया आप लोगों के लिए उन्होंने, क्षेत्र के लिए? जो भी किया है बढ़िया किया है हम लोग के लिए। इतने भरोसा है कि हम लोग क्षेत्र में रहें हमेशा, एक बार और चुनाव हम लोग चाहते हैं कि जीते। अच्छा, कारण क्या ऐसे होता है ना भाई कि काम किया है? काम किया, क्या विकास किया? क्या विकास, क्या काम किया? यहाँ पर डिग्री कॉलेज है, यहाँ पर कृषि भवन बना हुआ है, यहाँ पर खरंजा हुआ है, काम तमाम हुआ है यहाँ पर बढ़िया। अच्छा, जैसे हमको लोग बता रहे थे कि पहले वो नेता थे, ये सामने वाली रोड नहीं बनी थी, सामने वाली रोड जो है जो पिछली बार विधायक थे शाकिर अली, वो शाकिर अली का क्या था पास हुआ था बीजेपी, सरकार जब बनी है तो व्यवस्था हुआ है दोनों बगल पर। खड़ंजा भाई भाई नहीं की सरकार में शाही जी के बनो। अच्छा, सड़क जो है पहले बनी है अखिलेश में, इस साइड में जो खड़ंजा बच गया ये शाही। राशन वोशन तो ठीक है मिलता है? राशन मिलता है। हाँ, कितना मिलता है? 35 किलो। अब कौन ठिकाना नहीं है, ये बात ठीक बा। एक बात काली का हुई, अब ठिकाना नहीं है, हमने के जानते हैं कि 4 किलो हो सकेला। हाँ, कम भी मिलता है? हाँ, कम भी। यहाँ कोटदार जैसे कि होटल तोलते हैं सब। क्या करते हैं कोटेदार? 5 किलो जैसे तोलते हैं तो वह काटा बताता है 5 किलो, या घर तोलते हैं तो हम लोग 4 किलो होता है। अच्छा, हाँ सर, सबके साथ यही होता है? सबके वही बोलो, हाँ बोलो ना बोलो भाई, आदम हो तो बोलो, सही बात भाई। ग्राम लोग शिकायत नहीं करते जाके विधायक जी से? शिकायत करने पर तो होता है, कोटेदार बदमाशी करता है, माल ले लेते हैं लोग, आराम कर लेते हैं जय सीताराम। कोई जांच, कोई जांच हो जाता थोड़ा है, कौन माल नहीं ले नीचे से लेकर ऊपर तक ले। अच्छा, हाँ सब खाऊ है, सब खाऊ। हाँ, पर मोदी जी योगी जी दावा करते हैं भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, चार तो खत्म उन लोगों के वजह से, वो लोग देख रहे हैं कि खत्म है, लेकिन खत्म तो बहुत कम है ना, उनको लगता है खत्म है पर जमीन पे खत्म नहीं है। तो कैसे ठीक होगा ये सब? अब जैसे जैसे व्यवस्था बन जाए उसे खत्म हो जाए। अच्छा, तो नेता लोग क्यों नहीं खत्म करा पा रहा है? नेता तो जैसे खाते, जैसे विधायक जी हैं भाई, मंत्री हैं, जैसे विधायक जी हैं मंत्री हैं, मंत्री जी ये डांट लगाए इन लोग कोटेदारों की, मत काटो पैसा। आपने 5 साल शीशे में ना गिरी दिखाई थी हैं, अब वो बोलते हैं कि 5 साल में शीशा नहीं गिरा है। 5 साल शीशा नहीं गिरा मतलब? इधर आइए भाई साहब, इधर आइए, आइए। क्या नाम भैया आपका? जी क्या कह रहे हैं? शीशा शीशा नहीं गिरा मतलब? नहीं नहीं, हमारी कोई समस्या नहीं है, हम आपसे उठाए। कौन बताएगा भैया कहाँ गए? क्या क्या कहना चाह रहे थे? वो जो कह रहा है समझ रहे हैं आप? शीशा मंत्री जी शीशा नहीं गिरा गाड़ी का, समझ रहे हैं? अब हमसे पूछ रहा है तो हम क्या बताए? आप समझ रहे हैं, नाराज है यहाँ पर मंत्री जी से, लेकिन योगी मुझे के नाम वोट दे रहे हैं। अच्छा, ये बात, नाराज है हम लोग। देखिए खुला कह रहा है कि हम लोग कहीं जाएंगे तो योगी मोदी के नाम पर वोट दे रहा है मजबूरी में, लेकिन मंत्री जी गुस्सा हो या हम लोग को क्राइम लगवाते हैं, गुंडा एक्ट लगवाते हैं। हम लोग पहले बीजेपी थे तो ही यहाँ पार्टी थी, सपा या भाजपा, जो भाजपा मेरा घर था, सपा या बराबर लोगों शाकिर अली, नहीं नहीं वो नहीं, बिलचेश्वर बाबूजी के केशो का घर सपा था, हमारा घर भाजपा था। उस समय से हम लोग भाजपा ही थे, हम लोग का होश नहीं था, पैदाइशी नहीं था, तब से हमारे बाप लखठा खुरमा बनाकर भाजपा के लिए प्रचार किया करते थे। लेकिन हम लोग मजबूर हैं, साईं जी से नाराज हैं,
जो अपने आदमी को नहीं पूछेंगे तो क्या पूछेंगे। लोग से मिलते नहीं है क्या यहाँ पर? लोग से मिलते नहीं है, नया नया निकाय देख रहे हैं, नजारा देख रहे हैं, वो पुराने लोग को भूल गए तो क्या पुराना लोग कुछ रहेगा? हम लोग मजबूरी में वोट दे रहे हैं। वोट मिलेगा, वोट तो मिलेगा, लेकिन साई जी से एकदम नाराज। रात ही मीटिंग था, साई जी के मुंह पर नाराज करने वाले लोग नाराज मुंह पर बोले थे। क्या बोले थे? कि साई जी आपको वोट नहीं मांगना पड़ता, मंत्री थे, आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं थी, आप इस क्षेत्र के हैं, आप मंत्री रहकर इतना बनाए हैं कि वोट मांगना पड़ रहा है। रात ही मीटिंग था 24 तारीख को, आज 25 तारीख है। मंत्री जी क्या बोले? मंत्री जी क्या बोलेंगे? मंत्री जी सुनेंगे गलती का, भाई माफ करिए, अब से सुधार होगा, चुनाव टाइम माफी मांग लो, फिर जो होना है होना है। तो आप लोग कह रहे हैं कि भाई मंत्री जी से नाराजगी है पर योगी मोदी के नाम पर वोट देंगे? पर अच्छा ये बताइए, मान लीजिए कि क्षेत्र में कोई समस्या हो, दिक्कत हो, तो ऐसा प्रत्याशी नहीं है, किसको देंगे? आखिर सूर्य प्रताप साहियों को देंगे, किसको देंगे? दूसरा कोई प्रत्याशी अच्छा नहीं दिख रहा है। ये जो सपा से लड़ रहा है, क्या नाम है इनका? वर्मा शंकर तिवारी। वो कैसे रहता है? वो भी अच्छा है, लेकिन मानिए यहाँ से विधानसभा कसिया चले गए, बीच में छोड़ दिए, साई जी थे, पुराना साई जी हैं। अच्छा, ये कसिया चले गए थे? कसिया विधानसभा चले गए, ब्रह्मा शंकर तिवारी जी। आप परवेज आलम है जो साकिर अली भी बढ़िया नेता थे, उनके लड़के अभी आए हैं, नया चेहरा है, थोड़ा पुरान होंगे तो देखा जाएगा वोट मिलेगा। पर अच्छा आप लोग ये बताइए, आप लोग भाई बड़े बुजुर्ग हैं, हम लोग सदा अनुभव हैं, अब क्षेत्र में मान लीजिए कोई परेशानी होगी, आप लोगों को कोई दिक्कत होगी, तो मोदी जी की चीज बोल पाएंगे? बोलेंगे जनता को प्रशासन से मतलब, साफ सुथरी प्रशासन चाहिए, और प्रशासन मिल रहा है, गुंडागर्दी इसमें ख़त्म है। अच्छा। लगभग हमको लग रहा है कि आज 12 बजे रात को कोई औरत निकलना चाहे तो आराम से निकल सकती है। तो पहले डर लगता था, पहले डर लगता था, पहले क्या था मैं समझना चाहता हूँ, यहाँ कौन पहले गुंडागर्दी इस क्षेत्र में कौन ऐसा गुंडा था? गुंडागर्दी था, ऐसा कौन गुंडा था जिसको अंदर किया लोग अब डर खत्म हो गया? किसी के माथे पर लिखा नहीं है कि कौन गुंडा था, लेकिन जो हिट लिस्टर है उसको तो लोग जानते हैं। तो गुंडागर्दी से लोगों को राहत है, और विकास लोग कहते हैं कि नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ। अब बताइए कितना विकास चाहिए आपको? क्या बताइए क्या विकास? हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो गया, विकास नहीं है? हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो गया, चालू एम्स में अगर कोई बीमार पड़ता था, हमसे बताओ क्या बोल रहे हो? अगर कोई बीमार पड़ता था एम्स में दिल्ली जाता था, आज खुल गया, गोरखपुर में आदमी जाएगा उसका काम हो सकता है। और क्या चाहिए आपको? पहले अगर 70 साल का विवरण लिया जाए तो जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में कितना एम्स था? अच्छा। कितना बनाए थे? उसके बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, तमाम लोग हुए, कितना था? लोगों ने आज के ज़माने में, आज के समय में कैलकुलेट कीजिए, एम्स कितना हो गया, मेडिकल कॉलेज कितना हो गया? पहले कुछ नहीं हुआ था कुछ भी। लोग कह रहे हैं, लोग कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है, हम लोग भी खड़े हैं, सपा के ज़माने में पढ़े लिखे हैं, पढ़ने में बहुत कमज़ोर भी नहीं थे हम भी। तो क्या उम्र है आपकी? 48 समथिंग होगा। 48 है? सपा के ज़माने में कब पढ़े लिखे थे आप? 88 में हमने हाई स्कूल पास किया। 88 तब किसकी सरकार थी? सपा की सरकार थी। 87 में सब पुस्तकीय परीक्षा मुलायम सिंह यादव ने लागू किया, किताब रख करके और पेपर साल्व कीजिए। तो नकल की शुरुआत तो उन्होंने ही कराया, आज लड़के नकल करके पास हो गए तो बेरोजगारी में उनकी गणना हो रही। आप बताइए, नकल करके पास हो गए तो कोई इंटरव्यू पास कर पाएगा? नहीं। और वो आदमी कहेगा कि हम बेरोजगार हो गए? मतलब अभी जितना नौजवान साथी है तो क्या उस समय बेरोजगारी नहीं थी? आज बेरोजगारी बढ़ गई है। अरे भाई साहब, इसीलिए तो सरकार बदली गई। तो नहीं, आप कह रहे हैं मतलब जितना बेरोजगार है वो सब नकल से पास हुआ है? जाहिर सी बात है, जब आप कॉम्पिटिशन बीट नहीं कर पाएंगे तो क्या माना जाएगा? आप अगर कोई कंपटीशन बैठते हैं पास नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब क्या है? लोग कहते हैं कि लीडर का लाइसेंस लेकर शेर बन जाए, वो तो कहने के लिए लाइसेंस मिल गया, लेकिन जहां शेर से सामना होगा वहां पता चलेगा कौन शेर है कौन लीडर है। तो ऐसा नहीं है। क्यों आप लोग के घर में जितने लड़के बच्चे हैं जिनको नौकरी नहीं मिली है तो वो सब नकल से पास हुए? ऐसी बात नहीं है भैया, कह रहे हैं ना, रहे हैं उनकी बात अलग है। रोजगार है जो रोजगार नहीं करना चाहता है, बेरोजगार वही है, रोजगार नहीं करना चाहता है। घर में कितने लोग अप्लाई किए थे नौकरी के लिए? नहीं, मैंने मैंने क्या कहा, अभी भी नकल हो रहा है?
समय ये समय नहीं के समय हाँ एक चीज शिक्षा में प्रमोट नहीं होगा तो क्या होगा बताइए आप ही नहीं जैसे ये भैया कह रहे हैं कि नौकरी जो इन लोगों को नहीं मिल पा रही है सब वो कह रहे हैं प्रमोट हो जा रहा है तो प्रमोट बताइए आप बता सिचुएशन में क्या हो सकता है आप ही बताइए वो ठीक बात है पर ये भैया बोल रहे हैं कि नौकरी उन लड़कों को नहीं मिल पा रही है अभी जो नौकरी नहीं मिल पा रही वो इसलिए नहीं मिल पा रही कि सब नकल से पास हुए नहीं कंपटीशन बीट नहीं कर पा रहे कंपटीशन बीट नहीं कर पा रहे और कंपटीशन बीट करेंगे कैसे कैसे नकल से सर्टिफिकेट हासिल किए हैं सब जैसे इलाहाबाद में भी लड़के प्रदर्शन कर रहे थे है ना लखनऊ में कर रहे थे जितने भी लड़के हैं है ना वो कह रहे भाई हम तो क्वालिफाइड हैं डिग्री है एग्जाम पास किया है टेट टेट का उनको नौकरी नहीं मिल रही तो वो सब नकल से पास हुए नहीं नहीं सबकी बात नहीं है अच्छा दो साल से आपका आई हुई है आपको मालूम है कि नहीं जो लड़के क्वालिफाइड है आज भी उनको नौकरी मिल रही है अच्छा इलाहाबाद में जो तैयारी की है उसमें कम से कम 40% लोग जॉब में आ चुके हैं नौकरी के लिए किसी के पास 60% नौकरी नहीं मिली है 60% जो नहीं मिली उसमें नकल वाले अगले सरकार में कितना इधर से उधर से जाकर आपने तैयारी कर रहे हैं सरकार में कितना नौकरी मिला था इसीलिए चले गए वो नौकरी नहीं मिला तो उससे ज्यादा ही नौकरी मिला है ज्यादा मिला है ज्यादा मिला है उससे ज्यादा ही मिला है सर कोई भी किसी की भी सरकार बने लेकिन प्रशासन चुस्त दुरुस्त भाजपा सरकार से सब लोग खुश हैं योगी सरकार से सब लोग खुश हैं सूर्य प्रताप शाही जी के मंत्री से सब लोग खुश हैं कि मोदी का देश है आप वापस आराम से मोदी का देश है अरे भाई मोदी का डंका तो विदेशों में बजा है तो उनकी बातें छोड़ दी थी कैसे बजाए नेताजी अभी कौन पार्टी से पार्टी से नहीं अपनी पार्टी से अपनी पार्टी से जनता है पार्टी भाई जनता है सब आप जनता है वो तो कह रहे हैं आप नेता हैं नहीं 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 वो अपने आप को समझते हैं क्या सब जनता आप जनता पब्लिक है यहाँ पे अच्छा कोई नेता नहीं है सर कुल कोई नेता नहीं है यहाँ पर ना कोई नेता है ना किसी पार्टी का समर्थक बहुत बहुत क्लोजली है अच्छा बस यही है कि जो भी सरकार आए साफ सुथरी और चुस्त दुरुस्त प्रशासन दे जैसे अभी भैया बोल रहे थे कि सूर्य प्रताप शाही जो मंत्री हैं यहाँ के उनका 5 साल शीशा नहीं उतरा गाड़ी का ये कह रहा है हमारा बोल रहा था ऐसी बात नहीं है ये उनका घर है ये उनका घर है धरती है महाराज यह जो है अगर पश्चिम में कहेंगे तो समझ में आएगा कि मंत्री जी रहते हैं मान लीजिए कोई विरोधी हो तो विरोधी ही करेगा ना नहीं नहीं वो विरोधी नहीं है अगर विरोधी होगा तो विरोधी ही करेगा वो विरोधी नहीं है वो चाहे रोज ही ना वो वो तो कह रहे थे कि हम वोट मोदी योगी को देंगे पर भाई यहां होली में आते हैं नहीं नहीं ऐसे हर दीपावली में आते हैं हर त्यौहार पे आते हैं घर है यहां पे तो सबसे मिलकर जाते हैं सुनिए ऐसा कोई भी अगर मंत्रालय संभाल रहा है जिम्मेदारी का है क्या नाम है आपका इंदिरा सा राजभर राव अगर कौआ काल ले गया तो उसके ऊपर हम दौड़ेंगे क्या जैसे कौआ काल ले गया तो उसके ऊपर दौड़ेंगे क्या नहीं दौड़ेंगे नहीं दौड़ेंगे ना आप कान देखा कि उसके ऊपर भागेंगे नहीं भागेंगे ना अपन देखना है ठीक है हमारी क्या करना है उसकी देखिए ठीक है क्या करना है आपको क्या चाहते हैं आप हम लोग को सुरक्षा चाहिए बस सुरक्षा चाहिए किससे किससे सुरक्षा चाहिए प्रशासन से चाहिए प्रशासन से हाँ तो प्रशासन परेशान करता है नहीं प्रशासन परेशान करेंगे कहीं के लिए उसके लिए हम कहीं ना कहीं प्रशासन हमको पसंद करता है क्या करते हैं आप फौजदारी करते हैं फौजदारी करते हैं अच्छा घर में कौन कौन है आपके हमारे घर पलवार है हमारी बच्ची है बच्ची है मम्मी है स्कूल जाती है हाँ कहाँ स्कूल जाती है प्राइमरी में अभी बंद चलता है प्राइवेट में नहीं नहीं प्राइमरी सरकारी सरकारी स्कूल में जाते प्राइमरी स्कूल में प्राइमरी पढ़ाई होती है वहाँ पर पढ़ाई क्या होती है आप देखेंगे तब मालूम होगा आप लोग आप बोला कान कोई कुछ नहीं बोलेगा भाई साहब ना कान को कोई ऐसा नहीं बोलेगा गलत बात मत करिए नहीं सर ऐसा मत उम्मीद करिए बोला फटाफट बोला ये गरीब आदमी मान लीजिए एक बात देखिए हम पूरे पता हम काम कर रहे हैं कोई ऐसा नहीं कहे कि कोई कोई जाए कि ऐसा इंद्रासन कोई गलत है गलत नहीं है जो भी कहूँगा हम भी गलत तो स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती आप कह रहे हैं प्राइमरी में देखिए प्राइमरी में ये स्कूल यहाँ पर चौराहे पर चौराहे पर आप इंक्वायरी करिए नहीं सही है क्या सही है आप
हम काहे के लिए कहेंगे कि सही है कि नहीं है? आपका बच्चा पढ़ता है, आप बताएंगे ना सही है नहीं सही है, हमें क्या पता है? नहीं विद्यालय में खोल के बताओ ना यार, पढ़ाई होना बढ़िया की नहीं खोल के बोला जाना, डरो मत, नहीं होता है, बताओ ना, पूछ रहे हैं नहीं होता है, जो नहीं होता है, जो आप धीमेश बोले ना बढ़िया होता है कि नहीं, आप चाहते हो बढ़िया बोल ले, हमको मन का बोलने दो ना जी। बाबू जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम फारूक अंसारी है जी। फारूक जी क्या कैसा काम रहा है यहाँ पर 5 साल मंत्री जी का? बिल्कुल गलत रहा है। बिल्कुल गलत रहा, क्यों गलत रहा है? क्यों गलत रहा है? काम करिएगा, हमारी देखिए आपको बारे में पूछना चाहते हैं, जिस चीज के बारे में पूछना चाहते, जिस बारे में पूछना चाहते हैं। कैसा काम रहा मंत्री? आप कह रहे ठीक नहीं रहा, आपको ठीक क्यों नहीं लगता? तब मंत्री जी आए हैं सिर्फ गाड़ी पर बैठ के चले गए, किसी आदमी के ऊपर ऐसे हाथ भी नहीं रहा है। कोई बीजेपी वाला भी कह दे कि मेरे ऊपर हाथ लाए हो, कह रहे लोग, सारे बीजेपी वाले हैं लोग, कोई भी आता है तो और कोई मिल जाता है कि बाजार में किसी की दुकान पर पूछे मांगी दुकान का साकिर अली साकिर जाते हैं काम यार, आप लोग फिर आ गए सब लोग किसी पार्टी के बारे में कहिए कि आप हकीकत में बोलिए, नहीं नहीं आप हकीकत में बोलिए भाई, किसी पार्टी की बात नहीं हम झूठ बोल रहा है, मैं किसी पार्टी की बात झूठ बोल रहा है, सही है आप लोग को बोलने दीजिए भाई साहब, बिल्कुल गलत से बोल रहा है, आइए आप बताइए अनमोल जी, आप ये बोल रहे हैं आप बताइए, सुनिएगा कैमरा इधर की झूठ नहीं बोल रहे तो दूसरे व्यक्ति से भी पूछिए, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, विरोधी विरोधी कर रहे हैं, विरोधी जो है विरोधी उतनी देर से आप लोग किन्हीं सुन रहे थे? मैंने सुनिए, ऐसी फालतू बात कर रहे हैं, सुनिए बाबू उनकी सुन रहे थे, उनके आप आपके विरोध बोल रहे हैं तो वो ना बोल रहे, क्या बात है? हम कभी भी किसी पार्टी कोई पार्टी हारे कोई पार्टी जीते, ना मैं चोर हूँ ना डकैत हूँ ना मुझे कोई किसी बात का डर है, हकीकत बात हकीकत है। क्या करते हैं आप? मैं सिलाई करता हूँ। सिलाई करते हैं? मेरे घर में कोई नौकरी वाला नहीं है, मेरे पास सिर्फ 3 कट्ठा जमीन है, वो भी घर बनाने लायक। घर में कौन कौन बच्चे आपके? कितने? मेरे 4 बच्चे हैं। क्या करते हैं? सिलाई करते हैं मेरे साथ। सिलाई उनको पढ़ाया लिखाया आपने? पढ़ाया हूँ। कितना पढ़े हैं? इंटर तक आगे क्यों नहीं पढ़ाया? डबल BA कराया हूँ। अच्छा, डबल BA कराया है। हाँ, वो तो उन्होंने किसी नौकरी के लिए तैयारी नहीं की, प्रयास नहीं किया? नहीं, देखिए उसके आगे मेरे पास क्षमता नहीं था यार, हम पूछेंगे ना, पूछ लेने दीजिए, पूछ लीजिए आप ही, पूछ लीजिए आप, ये कभी मेरे को बोलने नहीं देंगे, ये लोग कभी बोलने नहीं देंगे, क्यों नहीं बोलने देंगे? जब एकांत में वहाँ ये मीडिया वाले को बुला करके सिर्फ बीजेपी के लोग को 6-7 आदमी की बात किया है लोग, सर जी देखिए, सर जी इसके पहले से, सर जी ये पूछ रहा है, मेरा बात नहीं है, मेरा एक आयुष्मान कार्ड आया, सुनिए, मेरा एक आयुष्मान कार्ड आया, ठीक है, मालती नाम की मेड वाइफ, सुनिए मैं नाम रख के बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, क्या नाम है? विधानसभा कौन सी है? यही पत्थर देवा, अरे वोट भरना है, वोट वोट देती हैं? अच्छा, विधायक कौन है पता है आपको? आपका नेता कौन है पता है? यहाँ पर चुनाव चल रहे हैं, पता है आपको? जानकारी है के वोट देबू? वोट देती है, वोट साहिजी को वोट दी है। अच्छा, देख ली, ठीक है भैया, साहिजी जीत रहे हैं, आपके मान लिया हमने, आप लोग के हिसाब से और लोग तो सुन लो, गाड़ी तक पहुंच गया, साहिब जी अच्छे लगते हैं, सबका अपना ओपिनियन है, इसमें विरोध नहीं करना। तो आपके लिए क्या किया है यहाँ के नेता है, आपके लिए गरीबों के लिए क्या किया है? क्या मिल, राशन मिलता है आपको? मिला है? आवास? आवास नहीं, आवास नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? आपने कोशिश की कभी? हाँ। कहाँ गई थी आप आवास के लिए? बाबू हुई थी, हाँ 20 साल रहा हमारी थी, आवास वहाँ नहीं मिला। तो अभी कहाँ रहती, कैसे रहती हैं? आई का मांगे तो दिन भर मांगे नहीं का को। घर में कौन कौन है आपके? हमारे घर में दो बच्ची बड़ी से। बच्ची हैं, क्या करती हैं? माता लंगड़ बाड़ा लंगड़ ऊपर मुंह, क्या करती हैं बच्ची हैं? स्कूल में है, रहता है, छोटी हैं अभी, पढ़ा स्कूल नहीं जाती हैं? गरीबी से नहीं पढ़ा, गरीबी से नहीं पढ़ा पाए। पति हैं आपके? हाँ, लंगड़ बाने। अच्छा, चल नहीं पाते हैं? हकीकत बात बाकी, चलो देखिए सुनौला में कौन और घर पड़ी तो घर का खर्चा कैसे चलता है? श्री राम बाबा बाने ना,
नहीं भी फर्क हो गया। अब जैसे ये कह रही इनको आवास नहीं मिला है ना भाई, जरूरतमंद लोग है ना, इनको आवास को नहीं मिल पा रहा है। प्रधानों का राव साहब से कहनी है, राव साहब से कहनी है, राव साहब करा दी है प्रधान लोग चाहे जाकर रजिस्ट्रेशन करा कोई तब न हो जरूरी है। अरे सर हो सकता है कि प्रधान वगैरह लोग नहीं किए हो, प्रधान लोग नहीं किए हैं तो निगरानी काम तो सरकार का विधायक का नेता का है ना, पास जाना चाहिए कहनी चाहिए। ऐसे हमारे प्रमुख जी हमेशा लगे रहते हैं यहाँ, कोई जाता उसकी समस्या सुनते हैं। आप गई कभी नेता गई पूछिए पत्थरदेवा में? नहीं पड़ेगा जी के वहाँ पर। अच्छा पत्थरदेवा में नहीं पड़े तो मतलब नहीं, फिर मिले चाहे ना मिले क्या फर्क पड़ता है? नहीं क्यों नहीं मतलब ऐसे लग रहा है जैसे दूसरी पार्टी का है क्या मतलब है? ब्लॉक प्रमुख है वो क्षेत्र की सेवा करने के लिए, चाहे किसी भी पार्टी का हो। अब आपके एरिया में जाएंगे तो आप ही काम करेंगे ना, हम नहीं करेंगे। नहीं नहीं सर इसी में पड़ता है, पत्थरदेवा में ही पड़ता है, सरकुलवा में पड़ता है। नहीं विधानसभा पत्थरदेवा है ना, ब्लॉक प्रमुख है वहाँ पे आता है। कुल मिला के बताइए इनको मकान कैसे मिलेगा? आवास जरूरतमंद है, इस बार पति चल नहीं पाते हैं, इस बार मिलेगा। ऐसे बता रहे हैं ऑनलाइन करा दिए तभी नहीं मिले, क्या कहते हैं साल भर के बाद? पिंटू राव हूँ ना, अब बताइए विशाल राव हूँ, मिलिए मिला है कह रहे मिलेगा साल भर बाद, झूठ बोल रही है। ऑनलाइन नहीं खुलेगा तो अभी समय जाएंगे तो ऑनलाइन हो पाएगा? नहीं हुआ होगा, कब हो पाएगा? जब ये खत्म होगा उसके बाद जब वो खुलेगा। क्या हुआ छोटू, क्या नाम है? अविनाश, क्या करते हो? धंधा किस चीज का? फल का। फल का? स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में हो? थ्री में। कहाँ स्कूल जाते हो? इंद्रावाल में। सरकारी स्कूल है? प्राइवेट। सरकारी स्कूल क्यों नहीं, प्राइमरी स्कूल क्यों नहीं जाते हो? प्राइवेट स्कूल जाते। क्यों? उसी तरह है, बढ़िया पढ़ाई नहीं होती। बढ़िया पढ़ाई नहीं होती प्राइमरी स्कूल में? पहले कभी गए हो? सुना है तुमने प्राइमरी स्कूल में बढ़िया पढ़ाई नहीं होती? तुम्हारे स्कूल में बढ़िया पढ़ाई होती है? अच्छा। पापा क्या करते हैं? धंधा। वो भी धंधा ही करते हैं? अच्छा। नेता कौन सा पसंद तुमको? कमल। कमल क्यों? कमल तुम्हें पसंद है? कमल क्यों पसंद है तुमको? कमल लॉकडाउन में हर एक चीज में बचाया है। बचाया है, राशन मिला है? हाँ। और क्या मिला है घर में? राशन मिला है, नमक मिला है, नमक मिला है, ईयरफोन मिला है। ईयरफोन? अच्छा बांट रही मुझे क्यों? ये ईयरफोन किसने? कमल ने दिया? कमल वालों ने? क्या भाई साहब आप भी मजे ले रहे हैं। उसके बाद चना वगैरह। मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी, मोदी जी कैसे लगते हैं सुना? जानते हो कौन है मोदी? मोदी फोटो दिखाएंगे, पता नहीं कौन है। कौन है मोदी? सरकार। सरकार है कौन पता है? देश के कौन है वो? मालिक। मालिक है, प्रधानमंत्री नहीं जानते हो? जानते हो। अच्छा मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश का? योगी जी। योगी जी है मुख्यमंत्री। और इससे पहले कौन था? अखिलेश यादव, सुना उनके बारे में? वो कैसे हैं? वो भी ठीक है। वो भी ठीक, सब ठीक है, बच्चा है खैर सब ठीक लगेगा। तो भाई आप लोग भी यही गए पत्थरदेवा के? महंगाई मुद्दा है यहाँ पर? भाई कोई मुद्दा तो नहीं है। नहीं है महंगाई है कि नहीं है आप लोग के साथ? महंगाई तो है लेकिन यहाँ तो मान लीजिए कि योगी जी ने जो दिया है वो बहुत से दिया है। हाँ। यहाँ साई जी विकास किया है, जहाँ आप खड़े हैं यहाँ कचरे में खड़ा होना पड़ता था। अच्छा। इस समय आप एकदम ठीक हैं, ईंटे पे खड़े हैं, बरसात में भी अब हम लोग बहुत बढ़िया से हैं। विकास उन्होंने किया है, 2,000 रुपया खाते में दे रहे हैं, 500 रुपया अभी भेज रहे हैं। आप? हम लोग टेम्पू चलाते हैं। टेम्पू चलाते हैं, आपको भी 2,000 रुपये खाते में है? जी आए हैं, मेरे भी खेत हैं तो आएंगे नहीं टेम्पू? ये बताइए ना कि मेरे नाम से खेती है। हाँ। अभी हम लोगों को राहत मिला है, मान लीजिए अनाज भी फ्री मिला है, दो दो बार मिल रहा है महीने में। ये भी तो योगी जी का ही देन है ना, और यहाँ भाजपा को छोड़कर किसी को जीतना नहीं है। अच्छा। शाही जी के अलावा कोई नहीं है? शाही जी के अलावा कोई नहीं। भाई ये पत्थरदेवा का हाल है, ऐसे और जगह जाएंगे और देखेंगे क्या माहौल है, देखते रहिए।